21 दिन से पहले या 21वें दिन यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके सामने बहुत ही साथ कामाख्या देवी का मंत्र है। कामाख्या देवी इस मंत्र से वशीभूत होके, इस मंत्र से आकर्षित होके एक या दो, मात्र एक या दो बहुत ही अच्छा सप्त की कोई आत्मा या प्रेतनी या पिशाचनी कह लीजिए, बहुत ही सप्त की पिशाचनी आके आपके सामने खड़ी होगी, एक ही आगे खड़ी होगी और आपसे कहेगी क्यों बुलाया मुझे। तब आप उसे उनसे वरदान मांग लीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए, नमस्कार करके उन्हें वरदान मांगिए और जो भी आप वरदान मांगना चाहते हो और जो भी वचन देना चाहते हो अब उनसे वचन लीजिए और वचन लेके उन्हें विदा कीजिए। अपने सभी भाइयों और बहनों को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को डॉक्टर महेश रघु, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगले वीडियो में आपने देखा कि एक प्रेतनी साधना मैंने बताई थी, एक दिन की प्रेतनी साधना बताई थी और अब मैं ये दूसरी साधना बताने जा रहा हूँ। ये भी प्रेतनी की साधना है जो 21 दिन की साधना है। इस साधना में आपको मांस मदरा और घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने एकांत में यानी अपने बैठे हुए घर में बैठे ही एक सेपरेट कमरे में ये साधना की जा सकती है। तो ये दोनों अभी इस साधना को आप देखिए, ये साधना कामाख्या देवी की साधना है। कामाख्या देवी को आप तो सभी जन परिचित हैं, माँ भगवती कामाख्या देवी से अभी सभी परिचित हैं। ये मंत्र कामाख्या देवी जी का मंत्र है जो आपको, ये भी मंत्र जो आपको कृष्ण पक्ष में ही करना है, कृष्ण पक्ष के किसी भी शुभ मुहूर्त से ये मंत्र करना है आपको। तो ये मंत्र है जो साधना में आपको बता रहा हूँ, इसे इसमें स्फटिक की अभिमंत्रित माला, दिशा इसकी उत्तर रहेगी, आसन लाल रंग का रहेगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 बार हे रंबा या मोक सिद्धि नमः इस मंत्र की मानसिक 5 बार मानसिक जप करना है, ठीक। इसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय की करनी है। यहाँ आपको भगवान शिव को ही अपना गुरु मानना है, यहाँ भगवान शिव को ही अपना इष्ट मान के चलना है क्योंकि भगवान शिव ही इन सबके मालिक हैं। इसके बाद जो मंत्र है इसका मंत्र का उत्कीलन करना है, फिर मंत्र का संजीवन करना है। जो पाँच मिनट का उत्कीलन, 5-5 मिनट का संजीवन है, ज़्यादा नहीं है। तो 5 मिनट का उत्कीलन करना है मंत्र का, 5 मिनट का मंत्र संजीवन करना है और इसके बाद 1188 बार इस मंत्र का जप करना है रोज, प्रतिदिन 21 दिन तक जप करना है और रोज प्रतिदिन ही जप करने के बाद गुड़ और बेल के पत्ते, तेल, जौ और सामग्री, इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर रोज नित्य उनका दशांश हवन प्रतिदिन करना है। क्या दोबारा बताता हूँ मैं, गुड़, बेल जो आता है खाने वाला आता है, बेल के पत्तों को कूट लें, सरसों का तेल, जौ और हवन सामग्री और रक्त चंदन आता है, उसे रक्त चंदन को लेकर आपको आहूति देनी है, प्रतिदिन आहूति देनी है। जितने मंत्र जपो उसके दशांश हवन प्रतिदिन करते रहने, 21 दिन से पहले या 21वें दिन यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके सामने बहुत ही साथ कामाख्या देवी का मंत्र है। कामाख्या देवी इस मंत्र से वशीभूत होके, इस मंत्र से आकर्षित होके एक या दो, मात्र एक या दो बहुत ही अच्छा सप्त की कोई आत्मा या प्रेतनी या पिशाचनी कह लीजिए, बहुत ही सप्त की पिशाचनी आके आपके सामने खड़ी होगी, एक ही आके खड़ी होगी और आपसे कहेगी क्यों बुलाया मुझे। तब आप उनसे वरदान मांग लीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए, नमस्कार करके उन्हें वरदान मांगिए और जो भी आप वरदान मांगना चाहते हो और जो भी वचन देना चाहते हो
आप उनसे वचन लीजिए और वचन लेके उन्हें विदा कीजिए। ये 21 दिन में सिद्ध होने वाली साधना है और ना इसमें एक समय एक साधना में बढ़िया है, समय अधिक है, लेकिन ना इसमें कहीं जंगल में जाना, ना शमशान में, ना मरघट में, ऐसा कहीं नहीं जाना है और ना ही इन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मांस की, मीट की, मदरा की जरूरत है। और इस में मैं उसे दीक्षित भी कहे, हालांकि ये दक्षिण मार्गी साधना है, दक्षिण मार्गी जी सॉरी हाँ ये बाम मार्गी साधना है, तो उसे मैं जो साधक करेगा उसे मैं पूरी विधि सहित कवच, उत्कीलन और मंत्र का संजीवन और ये मंत्र पूरा मंत्र बताऊंगा। मंत्र यहाँ भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मंत्र यत गोपनीय होते हैं, मंत्र उसी को दिए जाते हैं जो साधक करना चाहता है। तो मित्रों कैसी लगी ये मेरी साधना, आप कमेंट अवश्य करना। और एक बात और कहूँगा मैं कि अगले महीने यानी जून में मैं वृंदावन चार संप्रदाय आश्रम वृंदावन में 4 दिन का कैंप करने वाला हूँ। वैसे तो मैं रोज ही जाता हूँ, मैं रोज रहता ही हूँ, लेकिन 4 दिन का कैंप करने वाला हूँ और उन साधकों को निमंत्रण देता हूँ जो साधक आके दीक्षा लेना चाहते हैं, ध्यान दीक्षा लेना चाहते हैं, या छड़ी दीक्षा लेना चाहते हैं, या अप्सरा दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन साधकों को मैं वहाँ कैंप कराने वाला हूँ। जो भी साधक आना चाहें उनको सुस्वागत है, वो आ सकते हैं। और मेरे साथ राजकुमार पांडे, चंदन कुमार बिहार वाले और चंदन त्रिपाठी जो बगलमुखी के साधक हैं, ये 3 लोग मेरे साथ रहेंगे। और एक और हैं मेरे साधक अभी मुझसे जुड़े हैं जो जम्मू कश्मीर के राजघराने से हैं, वो भी हो सकता है आपको आएँ, क्योंकि वो भी अच्छी सिद्धि की हुई हैं, वो भी आ सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी मेरे पास आके यहाँ 4 दिन दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन के द्वारा संपर्क करें मेरे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मैं ये भी संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो साधक ये कहते हैं ना कि ये प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ इस बात की प्रत्यक्षीकरण होते हैं। ये अब शुरुआत है किसी चीज़ की, माँ बगलामुखी के तो पहले ही मुझे कृपा प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन मैंने कभी ऐसी छोटी मोटी साधनाओं के लिए तरफ ध्यान नहीं बढ़ाया, केवल भक्तिभाव में जीता रहा और भक्तिभाव करता रहा। लेकिन ये आवश्यक बन गई है अब कि मैं साधनाओं को इनको प्रत्यक्षीकरण करना शुरू करूँ। साधकों जब मैं तो आपको कराने का दावा दे सकता हूँ किसी काम को, तो उस काम को मैं करने के भी हिम्मत रखता हूँ। कल को ये सोचा कि ये तो सिर्फ कराने कहते, कर नहीं सकते, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं उसे करने की भी हिम्मत रखता हूँ। और हाँ, मेरी धन यक्षिणी साधना 1.25 किलो सोना रोज देगी, उसके बारे में लोग दुनिया कमेंट करते तुम ले लो फला, वो समय आ चुका है कि मैं उसे करूँगा। आप तो अंत में मैं आपको सभी को विदा लेता हूँ और आपको सभी को भाइयों को मेरी भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।